और अब आप इस वक्त की बड़ी खबर की, ये बड़ी खबर मैनपुरी से मिल रही है। छेड़खानी से त्रस्त छात्रा ने सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। छेड़खानी से त्रस्त छात्रा ने सीएम योगी आदित्यनाथ से लगाई गुहार। करहल के एमनपुर की छात्रा ने रो रोकर सुनाई अपनी आप बीती, हाथ जोड़कर कहा, मैं गरीब हूं, कोई तो मेरी मदद करो। सीओ, मीडिया और वकीलों के सामने फूट फूट कर रोई छात्रा। कहा, सरेआम बहुत बेइज्जत कर चुका है रवि नाम का युवक। हाथ पकड़कर सरेआम मुंह पर तेजाब फेंकने की देता है धमकी, कभी कभी जान से मार डालने की भी धमकी देता है। पीड़िता ने कहा कि वो चार बार थाने में शिकायत कर चुकी है, लेकिन अब तक पुलिस ने नहीं की कोई ठोस कार्रवाई। कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो जान देने की बात भी पीड़िता ने कही है। सीएम योगी अगर मां बेटी की रक्षा नहीं करते तो गद्दी छोड़ दें, यह पीड़िता की तरफ से कहा गया है। योगी से कहा, पुलिस नहीं कर रही है तो प्रदेश मंत्री से मैं ये चाहती हूँ कि वो ऐसे सजा दे, अगर सजा न दे तो ये राज्य सीट छोड़ दे। अपनी माँ बहन अगर उनकी भी होगी तो मैं दूसरे लड़की या औरत की इज्जत रखेंगे। वो ये चाहता है कि हमसे, हाँ आपसे क्या चाहता, वो ये चाहता है कि मैं तेरी छेड़खानी करूंगी और बेइज्जती करके तेरा चेहरा नहीं पहचाने दूंगी और मैं तुझे जान से बेइज्जती करते करते खत्म कर दूंगी। और मैं पहले ही चाहती हूँ कि अगर मेरी बेइज्जती हुई तो मैं उससे पहले अपनी जान दे दूंगी। अगर हमारे माँ बाप हमारी शकल दे देंगे तो मैं अपनी शकल नहीं दिखाऊंगी अगर बेइज्जती हो जाएगी तो। मेरे माँ बाप बहुत गरीब है, ये लोग मुझे तंग करते, एक बार नहीं चार बार घेरा इस लड़के ने मुझे और ये लोग कार्रवाई नहीं होने देते। पता नहीं क्यों मेरी थाने में कोई सुनाई नहीं हो रही है अभी तक। तो रो रोकर पीड़िता ने साफ तौर पर कहा कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसकी गुहार को नहीं सुना गया तो फिर वो आत्महत्या कर लेगी, अपनी जान दे देगी। पीड़िता ने सीएम योगी आदित्यनाथ से रो रोकर गुहार लगाई है और ये भी कहा कि कई बार थाने में शिकायत कर चुकी है लेकिन अभी